हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ JOAIT का क्वेश्चन पेपर। JOAIT यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, पोस्ट कोड 817 का ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 21 मार्च 2021 को। तो आज की इस वीडियो में इसका पार्ट टू डिस्कस करूँगा। पार्ट वन पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 85th क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट टू में डिस्कस करेंगे 86th क्वेश्चन से लेकर 170th क्वेश्चन तक। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो आगे आने वाली हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं 86th क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज, फिल इन द ब्लैंक द आर्मी। तो इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द आर्मी। मीनिंग ऑफ द idiom अ रेड लेटर डे। तो अ रेड लेटर डे का इसका मीनिंग क्या होगा, एन इम्पॉर्टेंट डे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, चयन का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, चे प्लस अन। देशभक्ति जो है इसमें समास क्या है, तत्पुरुष, सी ऑप्शन। थकान इसमें प्रत्यय होगा आन, दैट इज डी ऑप्शन। रजनी जो है इसका पर्यायवाची है यामिनी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज, विच इज अ डिराइव्ड डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। तो सी जो लैंग्वेज है उसमें वह व्युत्पन्न डाटा प्रकार कौन सा है जो समान मेमोरी लोकेशन साझा करने वाले विभिन्न सदस्यों का बना है। तो यह है सी ऑप्शन, यूनियन। सी लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बिगिन विद अ विच कैरेक्टर। तो वो होते हैं बी ऑप्शन, हैश। द बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल। तो सी भाषा में बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है, दैट इज कैरेट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज हैज़ टू वेरिएंट्स कॉल्ड प्री एंड पोस्ट। तो ये है बी ऑप्शन, इंक्रीमेंट। इन सी लैंग्वेज ऑल द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद विच कैरेक्टर। तो कौन से कैरेक्टर से ये ख़त्म होती है, तो यह है ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। तो इनमें से कौन से मानक लाइब्रेरी फंक्शन सी भाषा में फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए उपयोग होते हैं, दैट इज डी ऑप्शन, प्रिंट एफ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन स्कैन एफ टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाई फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन अ सी प्रोग्राम। तो इस सी प्रोग्राम को आप यहां से देख सकते हैं, इसकी जो आउटपुट है वो पूछा है कितनी आएगी, तो आएगी ए ऑप्शन 9। व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन अ सी प्रोग्राम। तो इसकी आउटपुट रहेगी इस प्रोग्राम की सी ऑप्शन, आप यहां से देख सकते हैं 0। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन से वेरिएबल्स जो हैं उनके बारे में ये ट्रू नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दैट द वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनी वेयर विद इन अ प्रोग्राम। तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है, बाकी सारी इसमें ट्रू हैं। नेक्स्ट इज, इफ द साइज ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप इन अ सी इम्प्लीमेंटेशन इज 2 bytes, देन वॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विद दिस टाइप। तो इसमें जो है बोला गया है, यदि सी कार्यान्वयन में शॉर्ट डाटा प्रकार की साइज 2 byte है, तो इस प्रकार के साथ एक वेरिएबल में संग्रहित महत्व मूल्य क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज 32767। वॉट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर। तो इसका हमें बताना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ऑफ द 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर 1101011। तो यह होगा डी ऑप्शन, -21। हाउ मेनी बिट्स आर यूज फॉर फ्रैक्शनल पार्ट इन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 23। Which generation of programming languages make use of compilers and interpreters? That is, 3rd generation of programming languages make use of compilers and interpreters. Full form of DHCP with respect to computer networking. तो इसकी full form है Dynamic Host Control Protocol. What is the full form of Wi-Fi with respect to computer networks? It is A option, Wireless Fidelity. Next is, a fill in the blank is a part of operating system that handles the. तो इसमें पूछा गया है आपसे कि फिल इन द ब्लैंक जो परिचालन प्रणाली का हिस्सा है जो OS के मुख्य कार्यों का संचालन करता है, जैसे कि CPU, शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट इत्यादि। तो इसका आंसर है सी, कर्नेल। अ स्कैनर में हैव एन ADF टू फीड पेजेस फॉर स्कैनिंग, बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADF इन दिस स्टेटमेंट।
तो इस स्टेटमेंट में ADF जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी, तो ये रहेगी डी ऑप्शन, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। इसमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1 MIB में कितने बाइट्स होते हैं, तो ये होते हैं 2^20। इसमें बताना है करेक्ट ऑर्डरिंग क्या होगी मेमोरी कैपेसिटी यूनिट्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है GB देन TB देन PB देन EB। द टर्म्स हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी, तो ये एसोसिएटेड हैं बी ऑप्शन कैश के साथ। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन्स अ फ्यूजर असेंबली, तो किस प्रकार के प्रिंटर में फ्यूजर असेंबली होती है, तो ये होती है सी ऑप्शन लेजर में। बाय यूजिंग फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी दैट इज कोलेट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स विद पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज, तो ये प्रोवाइड करवाई जाती है GPS के द्वारा। इमेज फिल इन द ब्लैंक इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरियाज फ्रॉम द इमेज, तो जब आप क्रॉपिंग करते हैं तब आप अनवांटेड आउटर एरियाज निकाल देते हैं इमेज में से, उसको बोलते हैं इमेज क्रॉपिंग। नेक्स्ट इज अमेजॉन वेब सर्विसेज इज एन फिल इन द ब्लैंक सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरियस IaaS एंड PaaS सॉल्यूशंस, सो इट इज एन क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रोडक्ट ऑफ एडोब इंक्लूसिव, तो इसमें से कौन सा इसका प्रोडक्ट नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्लेंडर जो है इसका प्रोडक्ट नहीं है। इनमें से बताना है डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज, सो इट इज़ डी ऑप्शन डेनिस रिची। नेक्स्ट बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ नेटवर्किंग टर्म्स एंड देयर इन्वेंटर्स, तो टर्म्स हैं नेटवर्किंग की और उनके इन्वेंटर्स हैं, तो आपको करेक्ट मैच करना है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्टली मैच है WWW दैट इज टिम बर्नर्स-ली, ईमेल रे टॉमलिंसन, इंटरनेट विंटन शेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, सो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द CD-ROM, तो इन्वेंट की गई थी CD-ROM जेम्स रसेल के द्वारा। इन्वेंटर ऑफ USB, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अजय भाट। शॉर्टकट की बतानी है ओपन करने के लिए एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये होगा Ctrl+D। फॉन्ट साइजेस आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स विच इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ एन इंच दैट इज 1/72। MS Word हैज टैब स्टॉप्स सेट एट एवरी फिल इन द ब्लैंक इंच बाय डिफॉल्ट दैट इज 1/2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक्स इन MS Word, सो इट इज ए ऑप्शन नेक्स्ट पैराग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इन MS Word कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट footnotes, तो कौन सी टैब्स हैं MS Word में जो कंटेन करती हैं ऑप्शंस footnotes को इंसर्ट करने के लिए, तो यह है references। हाउ कैन यू यूज डिफरेंट पेजेस ओरिएंटेशंस इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट, सो यू यूज बाय इंसर्टिंग डिफरेंट सेक्शंस, तो बाय इंसर्टिंग डिफरेंट सेक्शंस यू यूज डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेट द पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग टू 1.5 इन MS Word डॉक्यूमेंट, तो कौन सी शॉर्टकट की है जो सेट करती है पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग 1.5 MS Word डॉक्यूमेंट में, तो यह है Ctrl+5। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Word लेट्स यू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर्स टू अ नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर इन द टेक्स्ट ऑफ अ सेल इन MS Excel वर्कशीट, तो इसमें आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए जो टेक्स्ट है सेल का MS Excel वर्कशीट में, तो ये किया जाता है Ctrl+Enter के द्वारा। नेक्स्ट इज एन एरे फार्मूला कैन बी एंटर्ड इन अ सेल इन MS Excel बाय एंटरिंग फार्मूला एंड प्रेसिंग Ctrl+Shift+Enter। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS Excel शीट दैट इज वर्कशीट, जिसमें आपको कंसीडर करना है ये फॉलोइंग डाटा जो दे रखा है, इसमें बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरे फार्मूला, फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 64। नेक्स्ट में भी इस तरीके से आपको बताना है कि क्या वैल्यू रहेगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस वर्कशीट की, तो इसकी रहेगी बी ऑप्शन 16 वैल्यू। नेक्स्ट इज आपको बताने हैं कौन से फीचर्स जो हैं पाए नहीं जाते हैं MS Excel में, तो स्प्लिट अ सेल ये नहीं पाया जाता है MS Excel में। नेक्स्ट इज अज्यूम दैट यू हैव फुल नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन वन कॉलम ऑफ MS Excel सीट, द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स लेट्स यू स्प्लिट द फुल नेम्स इन टू कॉलम्स फर्स्ट नेम्स एंड द लास्ट नेम, तो ये ऑप्शन यूज़ की जाती है टेक्स्ट टू कॉलम्स। Which of the following options in MS Excel lets you restrict the value of a cell from a list of values?
तो एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प आपको एक वैल्यू सूची से एक सेल वैल्यू को सीमित रखने को अनुमत करता है? तो ये है डाटा वैलिडेशन, डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए एमएस एक्सेल सीट में सेल A1 में 10% वैल्यू और A2 में 5% वैल्यू हैं, तो फॉर्मूला A1 इंटू A2 की वैल्यू क्या रहेगी? तो ये रहेगी 0.005। इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट फार्मूला है एमएस एक्सेल में राउंड अ नंबर इन द सेल A1 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू हाईलाइट द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इफ़ द मार्क्स आर बिलो 10। तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स जिसके बिलो 10 हैं उसको हाईलाइट करने के लिए कौन सा फीचर यूज़ किया जाता है? तो किया जाता है डी ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल, तो कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है एमएस एक्सेल में? दैट इज़ A:1। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन एमएस एक्सेल इज यूज टू सर्च अ वैल्यू इन लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। तो एमएस एक्सेल में निम्नलिखित किस फलन के उपयोग से किसी टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम के मान को सर्च करके और समान रो में अन्य कॉलम से संगत मूल्य रिटर्न होता है? सो इट इज़ वी लुकअप, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज एक सेल में प्रविष्ट दिनांक का केवल माह का नेम डिस्प्ले करने का सही सेल फॉर्मेट निम्न में से कौन सा है? तो यह है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आपको बताना है डाटा में पैटर्न तथा ट्रेंड अध्ययन हेतु डाटा गणना संक्षेपण तथा विश्लेषण के लिए एमएस एक्सेल में खाली स्थान टूल यूज होता है, तो कौन सा होता है? पिवट टेबल। तो पिवट टेबल जो है एक टूल है एमएस एक्सेल में जो यूज होता है कैलकुलेट समराइज एंड एनालाइज करने के लिए डाटा को, कि उसके हम स्टडी कर सकें पैटर्न्स और जो ट्रेंड्स हैं डाटा के। नेक्स्ट है विच फीचर इन एमएस एक्सेल लेट्स यू क्विकली इंसर्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इन अ कॉलम ऑफ द शीट? तो ये आप कर सकते हैं कौन सा फीचर यूज़ करके? बी ऑप्शन फिल टू सीरीज। अज्यूम दैट इन एन एमएस एक्सेल सीट सेल A1 एंड A2 कंटेन्स वैल्यूज 5 एंड 5% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फार्मूला A1 प्लस A2 एंटर्ड इन सेल A3 ऑफ दैट शीट? तो इसका जो आंसर होगा वैल्यू जो आएगी वो आएगी A 10%। नेक्स्ट इज विच ऑफ द सॉरी जो इसका पिछले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, दैट इज 505%। ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल शोज न्यूमेरिकल डाटा एज स्लाइसिस ऑफ सिंगल सर्कल? सो इसमें से आपको बताना है कौन सा चार्ट सांख्यिकी आंकड़ों को एक एकल सर्किल के भाग के तौर पर दर्शाता है? सो ये है डी ऑप्शन पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन एमएस एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड? तो एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आपको की स्ट्रोक्स की श्रेणी को रिकॉर्ड करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः चालू करने की अनुमत करता है? तो यह है आपका बी ऑप्शन मैक्रो। फुल फॉर्म बतानी है UDP की विद रेफरेंस टू TCP/IP, तो इसकी फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक अ हब और अ स्विच? तो इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन जो पॉइंट से जुड़े होते हैं जैसे एक हब या एक स्विच? ये होता है ए ऑप्शन स्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया मेक यूज ऑफ 4 pairs ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स? तो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है ये है UTP। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस? तो ये काम होता है DNS का। तो इनमें से कौन सी इंटरनेट सेवा है जो डोमेन नेम को संगत IP एड्रेसेस में ट्रांसलेशन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है DNS इंटरनेट सेवा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइजेस? तो इनमें से कौन से में अराइज होती है? दैट इज वायरलेस नेटवर्क। तो वायरलेस नेटवर्क में प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइजेस होती है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिट्स ऑफ एन IPv6 एड्रेस? तो इसमें होते हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 128 बिट्स इसकी लेंथ होती है IPv6 एड्रेस की। द कंसेप्ट ऑफ IP एड्रेसेस बिलोंग टू द फिल इन द ब्लैंक लेयर ऑफ ISO/OSI रेफरेंस मॉडल? तो इसमें जो है जो कंसेप्ट है IP एड्रेस का ये बिलोंग करता है नेटवर्क लेयर से। व्हाट इज़ द रिकमेंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ UTP CAT6 केबल? तो इसमें रिकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ है UTP CAT6 केबल की 100 मीटर्स की। हाउ मैनी यूजेबल IP4
IPv4 addresses are there in network with subnet mask 255.255.255.240. तो कितने यूजेबल IPv4 addresses होते हैं? तो ये होते हैं सी ऑप्शन 14. Which of the following IPv4 address series is reserved by IANA for private use? तो ये जो होती है इसमें से बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि रिजर्व होती है बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए. इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम? सो इट इज़ बी ऑप्शन हाफ डुप्लेक्स. GSM, UMTS एंड LTE आर द टाइप्स ऑफ, तो ये टाइप्स हैं सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ की. तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायर इज़ नॉट फाउंड इन UTP केबल? तो येलो कलर की वायर जो है इसमें नहीं मिलती है. उबंटू, काली एंड सीडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन लाइनक्स. ये पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन हैं उबंटू, काली एंड सीडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिल्ट इन वेब ब्राउजर फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? सो ये है आपका सफारी. सफारी वेब ब्राउजर जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का है. व्हाट इज़ द कमांड इन लाइनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट? तो कौन सी कमांड है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. द फिल इन द ब्लैंक मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग? सो ये होता है आपका सी ऑप्शन इनकॉग्निटो. द फेमस वनाक्राई मालवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैनसम वेयर. और फिल इन द ब्लैंक इज अ मालवेयर दैट ग्रैब्स द की स्ट्रोक्स प्रेस्ड बाय द यूजर एंड सेंड्स देम टू द हैकर. तो कौन सा मालवेयर है जब आप कोई की स्ट्रोक ग्रैब करते हैं, जब प्रेस किया जाता है यूजर के द्वारा, तो ये हैकर को भेज देता है. तो ये होता है की लॉगर. डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. विच नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस अलाउज और ब्लॉक्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स? तो इसको कहा जाता है डी ऑप्शन फायरवॉल. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन विंडोज और लाइनक्स इज यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस? तो ये होती है कमांड आपकी बी ऑप्शन नेटस्टैट. तो ये थे गाइस पार्ट टू के आपके 85 क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पेपर के, जिसका पोस्ट कोड है 817. एग्जामिनेशन हुआ था 21 मार्च 2021 को. अगर आपके कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की वीडियोज़ आगे भी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में.